बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं दोस्तों? पाले खान का डबल हाथों पे सलाम। उम्मीद करता हूँ सारे वीर भाई खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये देखें ब्रदर, आपका पाले खान भाई अपने तीसरी मंजिल पे काम शुरू किया है। और ये जो भाई आए हैं ना, ये गुवाहाटी एरिया के मशहूर लोहार हैं, अजीम भाई उसका नाम है। नाम भी अजीम है और काम भी अजीम है। खैर, काम तो इंशाल्लाह थोड़ा जब ये कंप्लीट होगा तो इसका काम आपको मैं फिर इस वीडियो में दिखाऊंगा, रिव्यू दूंगा। और माशाल्लाह वो डिस्प्ले सेंटर में भी इसी भाई ने काम किया है। ये मेरा सेकंड काम है जो मैं अजीम भाई से करा रहा हूँ। अजीम भाई को मैंने कहा है कि अजीम भाई मेरे साथ गिलकार और लोहार का बहुत काम होता है। तो अजीम भाई ने कहा है ठीक है यार पाले खान भाई, बस हम भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बस रेट भी अच्छा देंगे और बस जब आपको काम कराना हो तो कराएं। ये देखें, वो मेरे ब्रूडिंग रूम है। जो डिस्प्ले सेंटर का रियल मानों में ब्रूडिंग रूम होगा ना, वो मेरे हैचरी और ब्रूडिंग रूम, वो सामने। और ये देखें माशाल्लाह, ये नेशनल बैंक अफशा कॉलोनी में मेरा घर है। ये तकरीबन पौने सात मरले का घर है यूँ, ठीक है। ये उसकी छत है, आप देख लो, छत बहुत बड़ी होती लेकिन हमने वहाँ पे सहन छोड़ा है ना, कुल्ला तकरीबन 2-2.5 मरले का सहन हमने छोड़ा हुआ है नीचे घर से ना, वरना ये छत यूँ भी जाती और भी लंबी होती। माशाल्लाह भी काफ़ी बड़ी है। वकास क्या हाल है? वकास भाई आए हैं, थोड़ा ये सामान कम हो गया था तो वकास लेके आए हैं। डिस्प्ले सेंटर साथ ही होते हैं मेरे वकास कॉलोनी के। हमारा जो नेशनल बैंक कॉलोनी के गेट से बाहर निकले तो थोड़ा लेफ़्ट करके मार्केट में हमारा डिस्प्ले सेंटर है। हार्डली 1-1.5 मिनट का रास्ता है। ये देखें, ये फ्रेम बना है ब्रदर, इस पर हम अभी अजीम भाई कौन सा वो डालेंगे, प्रोफाइल वाला। हाँ, अजीम भाई कहते हैं वो सादा चादर नहीं डालते, प्रोफाइल वाला डालें। अभी मैं देखूंगा ना, 2 बजे के बाद हम जाएंगे इसके लिए, वो लाएंगे। पहले अजीम भाई ये बनाएगा, फिर अजीम भाई उसके बाद वो देखें आपको इस जगह को मुकम्मल मेरे लिए सेट करेगा। इस पर छत वगैरह डालेगा, दरवाज़ा लगाएगा, ठीक है, खिड़कियाँ बनाएगा, ये रूम के लिए सीढ़ियाँ बनाएंगे क्योंकि ये नीचे, इसके नीचे स्टोर है तो ये डीप जाएगा। यहाँ पर मैंने वेंटिलेशन के लिए 3 सुराख छोड़े और 3 शायद इस साइड पे भी निकाल लूँ। ये उस टाइम मुझसे मेरा ध्यान नहीं रहा, या एक निकालूँगा कि इस तरह क्रॉस वेंटिलेशन हो। और ये जगह भी वेंटिलेशन के लिए, ये जो है ना, ये दीवार मैंने सिर्फ यहाँ तक बनाया है दरवाज़ा, कि ये हवा के लिए। तो ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा भाइयों के साथ शेयर कर लें। काम शुरू है, आज 22 मार्च 2020 है, तो 23 मार्च, हाँ सबको 23 मार्च मुबारक हो, हाँ हैप्पी रिजोल्यूशन डे। आज पाकिस्तान का किरादात का 23 मार्च को किरादात पास हुआ था। और देखें अजीम भाई 23 मार्च को भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान बनाने में, फर्दर पाकिस्तान बना रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान तो बना हुआ है ना, ये जितने काम भी होते हैं सारे पाकिस्तान में होते हैं। तो ये आज अपने पाकिस्तान के और बनाने में, मज़ीद पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, दुआओं में याद रखें, बस दुआ ये भी करें कि जिस तरह चीज़ हम चाहते हैं उस तरह चीज़ बने मेरे असील के लिए इंशाल्लाह। अजीम भाई का दिमाग अल्लाह करे 360 डिग्री पे काम करे मेरे काम में, कि 360 डिग्री पे उसका जहन काम करे, ऐसी चीज़ बनाए कि उसने ख़ुद भी नहीं बनाई हो आज तक, ठीक है। ये देखें, चलें अपना बहुत सा ख्याल रखें। अजीम भाई इंशाल्लाह मुतमईन रहूँ ना, ओके, जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, पेशावर में जिन भाइयों ने काम करना हो गुवाहाटी एरिया में, इस एरिया में, तो अजीम भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ, आप उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं, ये घर जाके आपके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, ये घर जाके आपके लिए सेटिंग कर सकता है पेशावर सिटी एरिया में, ठीक है। ये अजीम भाई आपके पास माशाल्लाह कितने शागिर्द हैं? 4 शागिर्द हैं, लेकिन अजीम भाई ख़ुद काम करता है। अभी इसका 1-2 शागिर्द वापस चला गया है, फ्रेम इसके साथ उठाया है, बस ये 2 बंदों का काम है, मतलब इंशाल्लाह कर लेगा, ठीक है जी। ओके, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह। और ये मैं आपको थोड़ा अपने एंड में पैरट्स भी दिखाता हूँ, पैरट्स की भी जगह है। ये देखें माशाल्लाह मेरी लव बर्ड्स, वो बजरी कुछ अंदर चले गए, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है।
ये इसके लिए मैं ब्रीडिंग बॉक्स, कुछ भाइयों ने कहा था कि पहले खान भाई इसके लिए ब्रीडिंग बॉक्स ये नहीं होता, और उनके लिए सही है, और उनके लिए नीचे वो जाला नहीं डालते, वो मैंने बाहर निकाल दिया भाई ये चीज़। हाँ, तो ये ब्रीडिंग बॉक्स जो है ना अच्छा, अभी ये कमरा जो है ना इससे ये सामान निकल जाएगा, क्योंकि मेरे साथ बाहर जगह आ जाएगी, ये कूलर है, ये मेरा यूट्यूब का कमरा है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की में एसी लग जाएगा, और ये देखिए मेरे सर ये रूम मेरा सारा वीडियोस के लिए, क्योंकि अभी मैंने पीके स्मार्ट मार्केटिंग टीवी बनाया है, फेसबुक पे भी प्लीज़ पीके स्मार्ट मार्केटिंग टीवी को लाइक करें फेसबुक पे, और यूट्यूब पे भी पीके स्मार्ट मार्केटिंग टीवी मेरा चैनल है, प्लीज़ उसको सर्च करें, पीके स्मार्ट मार्केटिंग टीवी लिखें, तो इंशाल्लाह वो मेरी व्लॉगिंग और ये मार्केटिंग की वीडियोस, हर किस्म की मार्केटिंग की वीडियोस, चाहे सील फार्मिंग से हो, चाहे फूड बिज़नेस से हो, रेस्टोरेंट बिज़नेस से हो, उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। बीच में रमज़ान आ गया, अल्लाह मुबारक महीना खैर से गुजारे, तो इंशाल्लाह फिर मेरा वो सिस्टम भी रवाना हो जाएगा। तो आप अभी से प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ कुछ अपलोडेड हैं, ताकि वो भी आप देख लें, और नए वीडियोज़ को भी आपको टाइम पे मो देखने का नोटिफिकेशन है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, इस्लाम जिंदाबाद, ते पाकिस्तान जिंदाबाद, ते मेरे सब्सक्राइबर जिंदाबाद, और पाकिस्तान आज 23 मार्च है, एक दफ़ा और हज़ारों लाखों बार जिंदाबाद, करोड़ों बार, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।